गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत का जश्न जगह जगह मनाया जा रहा है। तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने खबर फास्ट से एक खास बातचीत की है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत होने के बाद हमारे साथ में सत्यप्रकाश जरावत है, पटौदी के विधायक, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, गुजरात में बंपर जीत हुई, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जिस तरह गुजरात में जीत जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल की बात की जाए, 13 साल एक लंबा समय है और उसमें 1% से हम दिल्ली में चुके हैं, अन्यथा इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी आज दिल्ली में भी हमारी बहुत बेहतरीन सीट आई है। और जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, वो आपको पता ही है कि वहाँ का नेचर इस तरह का है कि प्रति 5 वर्ष वहाँ बदलाव की होती है, और गुजरात में आप एक लंबे कार्य समय के बाद बंपर जीत हुई है और पूरा देश आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज चारों तरफ विकास और कल्याणकारी नीतियाँ चालू हो रही है। बात गुरुग्राम कर लेते हैं, जो जिला परिषद हाल ही में चुनाव हुए हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई हैं, और जो वार्ड नंबर 9 की अगर बात की जाए, जो जजपा की जो जीत के आई है, क्या वो चेयरमैन की सीट पर बैठ पाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर चेयरमैन सीट बैठेंगे। हमारा तो प्रयास है कि वो हमारी पार्टी की तरफ आए, नहीं तो एक सर्वसम्मति बढ़ा के ताकि डेवलपमेंट के काम हो, और लोगों ने चुना है तो निश्चित तौर पर उनको बैठना चाहिए। और एक स्थायी चेयरमैन कब तक मिलेगी, ये तो देखो जब तय करेंगे चुनाव आयोग, उपायुक्त होते हैं ये लोग, तय करेंगे। चेयरमैन सर भारतीय जनता पार्टी का जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा? नहीं, अब जो भाजपा में आ गए वो आज आए चाहे कल आए, आज कुछ साथियों ने ज्वाइन कर लिए, कुछ और कर लेंगे, और मुझे लगता है कि सभी भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर लेंगे। लगातार एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, यानी कोई मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने आ सकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और उनका काम करने का तरीका, जो गरीब के लिए, कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा वासियों को आयुष्मान भारत से जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है उनको जोड़ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना में, और ये कहें कि डेवलपमेंट गुरुग्राम आज कहाँ तक पहुँचा है, कुछ आपके साथियों को ही दिमाग की उपज है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये कार्यकाल पूरा करेंगे और तीसरा चुनाव भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जनता जनता पार्टी की आज रैली है, स्थापना दिवस है भिवानी में, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्टियों को अपना अधिकार है, रैली करें, और जो भी राजनीति में है उनको करनी भी चाहिए, सक्रियता रहनी चाहिए। देखिए, इसे साथ हमारे साथ पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत, साथ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में बंपर जीत हुई है वो शुभकामनाएं दी है। उनका कहना ये है कि जनता की जीत है और ये देखना होगा कि यहाँ पर जो गुरुग्राम में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन के चुनाव कब होते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है क्या वही वाइस चेयरमैन बनेगा या नहीं। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं सूरज धवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम।